तकबीर। अल्लामा डॉक्टर हैदरबान निज़ामी साहब, नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے اللہ فرما رہے ہیں
कि ये किताब जेड़ी असी नाजल कीती है ये मोमना वास्ते शिफा है ते रहमत ही रहमत है। वनो नज़लो मिन अल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ए कुरान पाक जेड़ा मेरे ते तुहाडे आका मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरिया उन्हां दे कलबे अतहर दे उत्ते उतरिया ए मुसलमानां दे वास्ते मोमनां दे वास्ते पाक बाज लोकां दे वास्ते एदे ते अमल करन वालेयां दे वास्ते शिफा है ते सरासर रहमत है। लेकिन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। लेकिन ज़ालम ज़ालमा वास्ते कोई फायदा नहीं है देंदा, ज़ालमा वास्ते सरासर नुकसान होंदा है। इस तरह मिसाल समझो, मैं अक्सर ये दसना हुन्ना कि सीप सिपी ओदा मुंह खुला होवे और बारिश दा कतरा ओदे मुंह दे अंदर चला जाए ओदे विच ते ओ कतरा की बनदा है, मोती बनदा है सिपी दे। बारिश दा कतरा चला जाए ते ओ मोती बनता है, ते अगर ओ बारिश का कतरा सप के मूंह दे विच चला जाए ते की बनता है, जहर बनता है। यो ही हाल कुराने हकीम दा के इनू अगर अबू जहल सुनदा सी उन्हें सुनिया ते वो जिंदीक बन गए, ते अबू बकर सुनिया ते वो सिद्दीक बन गया। बारिश का पानी को जैसा होता है किसान भी समझते हैं जट, बारिश का पानी एक जैसा होता है। बाज जमीना ऐसिया होंदिया ने के उन्हां ते जो बारिश का पानी बरसदा है ते उन्हां दे विच गुलशन महकदे ने, फुल लै लहांदे ने, सब्जे लै लहांदे ने, फुलां दियां खुशबूआं आउंदियां ने, फुल महकदे। लेकिन कुछ जमीनां ऐसियां भी होंदियां, कुछ जमीनां ऐसियां भी होंदियां ने कि उत्थे ओही बारिश का पानी अगर बरसे, मसलन छप्पड़ बदबूदार होर हो जाते। तो यही हाल कुराने हकीम कहे वानु नज़लो मिन अल कुराने मा हुवा शिफाउन व रहमतुल मोमिनीन। एदी मिसाल तुहानू ये समझ नहीं आई होनी गल, मैं तुहानू समझा। देखो कुरान भी रखे ने दरबारां दे उत्ते, दाता दरबार जाके देख लो कुरान पे ने हजारां दे हिसाब नाल पे होने। लेकिन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, लेकिन ज़ालिमां नूं कोई फायदा नहीं हो रहा, वो सजदे कर रहे ने उत्थे, सजदे कर रहे ने। ज़ालिम दे दिल दी दुनिया तारीख हुंदी है, वो मुशरिक हुंदा है फितरतन। अबू लहब पैगंबर के करीब सी, चाचा भी सी,
अबू लहब चाचा भी सी, अबू जहल भी करीब सी, पैगाम ना सुन सकया, कुरान ने उदे ते कोई असर ना किता, ते बिलाले हबशी हबशे तो उठया ते जमीन ते चलदा सी, ते जन्नत दे विच ओदी जुतियां दिया हटान सुनाई दे दियां सन। ये किस्मत की बात है, जरफ की बात है कि कुछ खुश किस्मत होते हैं कि जो ये सुनकर अपना मुकद्दर तब्दील कर लेते हैं, और कुछ बदकिस्मत होंदे ने वो अपना मुकद्दर तब्दील नहीं करते। क्या देखो जा सारे दरबार कुराना ना परे ते कुरान की कह रहे के अल्लाह कोल होई मदद मंगनी है, अल्लाह ही तुहाडा अल्लाह दे सिवा कोई मददगार नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, ये कुरान आंदा या नहीं? लेकिन चादरां चढ़ी जा रही ने, सजदे उथे हो रहे ने, अल्लाह ने फरमाया ओ दामन भी मेरे अगे फैलाया करो, तो रोया भी मेरे अगे करो, जाके उथे रोंदे नंगी पैरी जा रहे। तो सब तारीफात वहदहू ला शरीक वास्ते ने, जेड़ी सारी जेड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक है, सारियां तारीफ हमदा सनावा जो रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन है, रब्बुल मशारिक वल मगारिब है, वफिस समाए इलाहा वफिल अर्ज़ इलाहा, के है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, के है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, के है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, उसी के साथ अपनी लौ लगाओ, उसी के सामने अपने सर को झुकाओ, वो अहकमुल हाकिमीन है, तुहाडी ते मेरी जिंदगी ते मौत दा मालिक है, वो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ी तालीम दीती, और करोड़ हाँ दुरूदो सलाम होन मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, आसमाना दे सितारियां तो वद दुरूदो सलाम होन, फरिश्तियां दी तादाद तो ज्यादा दरूदो सलाम होन मोहम्मद तेरी जात उते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समुंदरां दे कतरियां तो भी ज्यादा दरूदो सलाम होन मोहम्मद करीम तेरी जात उते, दरख्त दे पत्तियां तो ज्यादा दरूदो सलाम होन मोहम्मद तेरी जात पाक उते, बारिश दे कतरियां तो ज्यादा दरूदो सलाम होन मोहम्मद पाक तेरी जात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कह दियो, बुलंद आवाज से कह दो, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्ना ते कुरान नाजल हो, आज कुरान ते साहबे कुरान दी बात करांगा। एक कुरान वो है, ये बच्चे पढ़ रहे ने, बड़ी खुश किस्मत ये जमात के बच्चे कुरान दे हाफिज इत्थों हो रहे ने जामिया दे विच, एदा पढ़ना भी सवाब है कुरान दा, एदा देखना भी सवाब है, एदा खोलना भी सवाब है, इसका सुनना भी सवाब है, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरो हुनैन इमामुल किबलातैन सैयदुस सकलैन ने फरमाया के जो कुरान वेंदा सिर्फ ओदे गुनाह अल्लाह मुआफ फरमा देंदे ने, सिर्फ वेंदा जे कुरान, ये अल्लाह की सिफत है। और मुसलमानों सुनो कि अल्लाह दी तनहा अकेली आवाज इस जमीन पर है, अकेली अकेली तनहा आवाज है,
इस जमीन पर अल्लाह ते जो तुसी पढ़ दे हो इनो कुरान अच्छे तरीके ना पढ़ोगे खुश अलहानी दे नाल इनु पढ़ोगे ते अल्लाह फरमांदे ने असी उन्हों कारी बना देंगे जेड़ा इनू जबानी याद करेगा असी उन्हों हाफज बना देंगे जेड़ा इहदा तर्जमा करेगा उस तर्जमानुल कुरान बना देंगे जेड़ा तशरीह करेगा उन्हों मुफसरे कुरान बना देंगे ते अगे बड़ा नाजक मरल है मैं इस वास्ते मजमून नू आज शुरू कीता है कुरान के आज तो 1400 साल पहले दारुल नदवा दे विच मक्के दे विच मीटिंगां हुंदियां सन अजलास हुंदे सन दुनिया ए कुफर दे करगस अबू लहब अबू जहल उस वक्त दे सरदार सारे इकट्ठे हो गए ओए मीट ना कर दे सन जलास कर दे सन गे मोहम्मद ना काबले बर्दाश्त हो चुके आए एक कुरान दी फतुहात ना काबले बर्दाश्त हो चुकी आने ये फतुहात कर रहे ये बर्दाश्त नहीं साढ़े कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा मक्के दे दरिंदे करगस बड़े बड़े सरदार अबू लहब और अबू जहल ए मीटिंगां कर दे सन के मोहम्मद का पैगाम नाकाबले बर्दाश्त है कुरान दी फतुहात नाकाबले बर्दाश्त ने कोई है जेड़ा मोहम्मद दा सर कलम कर ले ए मीटिंग हो रही है कोई आंदा मैं 200 सुरख ऊंटी नाम देंगा जेड़ा मोहम्मद दा सर कलम करेगा 200 सुरख ऊंट पता कितनी कीमत हुंदी सी उस वक्त यानी 200 आज दे दौर दियां मर्सिडीज दे कार जड़ी मर्सिडीज करोड़ों रुपया दी आउंदी है ते मर्सिडीज दे बराबर उस सुरखूंट दी कीमत हुंदी सी अबू लहब ते अबू जहल ले के आ कि असी उहनूं रिश्ता बड़ा आला रिश्ता अच्छे खानदान दे विच देंगे उस नौजवान नूं जिहड़ा मुहम्मद दा सर कलम करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद का पैगाम नाकाबले बर्दाश्त है ये बुतां दे पुजारियां नूं कदों वारा खांदा है अज दरबारां दे पुजारियां नूं तौहीद दा पैगाम वारा खांदा नहीं यही पैगाम है और फिर वो एक उठा फारूक आजम वो जिसके लिए दुआ की जा रही थी के इब्राहिम दे दादे इब्राहिम मेरा दादा ओ दे अल्लाह यानी देखो कैसी दुआ की जा रही और मेरे मौला मैं तेरे अगे दुआ करना गया अमर बिन शाम मुसलमान कर दे या उमर बिन खताब मुसलमान कर दे ये दुआ की जा रही उथे दुआ ते उमर खताब उठिया नौजवान सी उठिया कह लगा सरदारा नु अपने अपने इनामात अपने कोल रखो मैं मोहम्मद दा सर कलम करके आ रहा हूं मैं मोहम्मद दा सर कलम कर वो अपने कोल इनामात रखो लेकिन मैं मुख्तसर वो तो लंबा उधर दुआ हो रही है कि अमर बिन हशाम को अल्लाह मुसलमान कर दे या उमर बिन खताब नु मुसलमान अबू जहल का नाम अमर बिन हशाम था मोहम्मद आपका आका दुआ कर रहा है दुआएं कर रहा है कि अल्लाह किसे एक नु ते मुसलमान कर दे ये दोवें ताकतवर ने एक नौजवान है ते एक चौधरी है वडेरा है साहूकार है चौधरी है मक्के का अबू जहल या अल्लाह इन्हां ये ताकतवर लोग ने इन्हां चो एक ते मुसलमान कर दे मेरी ताकत बनेगा ते अल्लाह ने फरमाया
अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन हशाम ते लानत भेजो वडेराए साहूकार लानत भेज असी तेरे कोल एक ऐसा नौजवान भेज रहे हैं जेड़ा खाना काबा दा दरवाजा के सब तो पहले खोलेगा और जेड़ा उमर बिन खत्ताब ओ फरूके आज़म बनेगा ओ तेरी नजर ऐसी नजर पेगी मा जागल बसरो व मा तगा मा जागल बसरो व मा तगा ओ मुहम्मदिया अखां देखन तो बाद अल्लाह कोलों दाद मंग रही ने अल्लाह कोलों दाद मंग रही ने मा जागल बसरो व मा तगा और एक नजर ते नौजवान समझते ने एक नजर नजर की जुलानिया मत पूछो नजर हकीकत में वो नजर है नजर की जुलानिया मत पूछो नजर हकीकत में वो नजर है उठे उठे तो बिजली बिजली पना मांगे उठे तो बिजली पना मांगे गिरे तो खाना खराब कर दे नजर तो पता है ना लेकिन एक नजर दीन दीन के लिए होती है दीन दीन के दीन की बुनियाद रखने के लिए होती है एक नजर मुस्तफरी होती है एक नजर मोहम्मद दी नजर सी सल्लल्लाहु अलैहि एक नजर मोहम्मद दी नजर सी ओ ऐस कुरान जदों एक कुरान नाज कुरान तो पहले पता है ना के मक्के दे लोग मुहम्मद नु की आंदे सन मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ओ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जा रहे हैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जा रहे हैं लेकिन जद दो कुरान नाजल हुआ इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम ते तुहाडा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया तुहाडा आका मुहम्मद अगरचे ये मेरा अपना अकीदा जो है अहले हदीस का अकीदा है कि अब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मेरे आका तुसी नबी कदों दे बने हो नबी तुसी रसूल कदों दे बने हो नबी कदों दे बने हो ते जवाब एदा की सी 40 साल दी उम्र दे विच एहो ही सी लेकिन आपने फरमाया अबू हुरैरा हाली आदम दी मिट्टी भी कठी नहीं सी होई ते अल्लाह ने मुनु नबी बना दिया था हाली आदम दी मिट्टी कठी नहीं सी ते अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया था उस वक्त बड़ा अल्लाह पढ़ रहा सी यासी 2000 साल पहले अरशे बरीन ते तलावत हो रही है उस वक्त इस कुरान को यासीन वल कुरान लागी इन्नका लमिनल मुरसलीन
मैं कह रहा सा के कुरान दा पढ़ना भी सवाब है दा सुनना भी सवाब। रहमत आलम मेरे दे तुहाडे आका मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया के जेड़ा ए नू वेखेगा ओदियां अखां दे विच नूरानियत पैदा होएगी, ओदे गुनाह माफ हो जाएंगे, और जेड़ा ए नू अच्छे तरीके ना पढ़ेगा ओनू मैं कारी बना देंगा, जेड़ा ए नू जबानी याद करेगा ओ हाफज बनेगा, ते जेड़ा एदे ते अमल करेगा वलीउल्लाह बनेगा। ए वली ओ नहीं ओ सुरख कपड़े नीले पीले अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह। वली दी पहचान होए वे के ओ अहले कुरान हुंदा है, कुरान पढ़दा है रात भी पढ़दा दिन भी पढ़दा है। ते जरा हुण पुछिए ना, ये बच्चे भी पढ़ रहे ने, जरा सुनो जो इन्हां नूं पढ़ा रहे ने वो भी सुन। ईमानदारी की बात आज और छोटे ये लुट पै गई है, लूट सी वो सेल हो रही है। छोटे छोटे काम भी कभी कर लिया करो ना। ये मंजिल कुरान की, ये खुतबे जुमे, ये नमाजा, ये ज़कातां, हज, इन्हों का मकसद की है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। यही है ना। ते वुजू करो जरा जाकर, कभी सोचे फटाफट वुजू कर रहे हैं हाथ धो रहे, कभी कभी ख्याल किया? खुदा की कसम अगर उस वक्त भी दुआएं कर लो वुजू करते हुए तो आपका मुकद्दर तब्दील हो सकता है। क्या करेंगे जब हाथ धोने हैं, छोटे काम जन्नत जन्नत मिलेगी, छोटे काम हाथ दो, पहले हाथ धो। तो दिल विच अगर जबानी नहीं कह सकते ते दिल विच सोच लिया करो कि अल्लाह सानू हशर दे दिन अमाल नामा मेर नू अमाल नामा सजे हाथ विच पकड़ाना, मेरा अमाल नामा सजे हाथ खबे हाथ च बनूना जो हाथ धोंदे, सिर्फ इना सोच लिया करो। और जो कुली करनी मुंह च पानी पानी, कुरान की बात हो रही है तो उदो दुआ करनी है उची ना भी करो, दिल विच कर लो। खुदा दी कसम उठा के कहना कुरान हाथ में थाम कर कहता हूं जन्नत वाजिब हो जाएगी। की करना जो कुली करनी मुंह च पानी पाने ते उदो की कहना, या अल्लाह मुन्नू कुरान कसरत नाल पढ़न दी तौफीक अता फरमा ते अपना जिक्र करन दी तौफीक अता फरमा। एक काम है कोई बड़ा मुख्तसर जिहा काम, सोच ही लवो बस। हुण अगे की आ गया, नग च पानी पाया, वुजू करा रहे हैं, छोटे जे काम ने, ते सिर्फ इतना तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे जहन्नम की बदबू से निजात दे दे और जन्नत की खुशबू अता फरमा दे। इन्नी इन्ना सिर्फ सोच, इतना इतना। और फिर क्या हुआ, फिर ओदे बाद मसा हुंदा सिर दा, अल्लाह जदों हशर दे दिन तेरे साए दे सिवा कोई साया नहीं होएगा। अल्लाह जदो हशर में कोई साया नहीं होगा, इंसान और औरतें नंगी होंगी, और उस वक्त अल्लाह का अर्श भी आएगा, अल्लाह के फरिश्ते भी आएंगे, पुल सरात भी झूमता हुआ आएगा, तराजू भी हिलता जुलता आएगा। उदो उदो कोई साया नहीं होगा। ते हुण तुसीं मसा कीता सिर दा, ते अल्लाह कोलो दिल विच ख्याल करा लो, करो जरा अपने दिल च ख्याल, अल्लाह जी तो कोई साया नहीं होगा, अपने अरशे अजीम दा साया नाज फरमा दे। ये तसव्वुर करो जन्नत मिलेगी, और फिर बाकी केड़ा काम रह गया? पैर ओ हथा जी आ जाते ने पैर, जिस दिन अल्लाह पैर हशर दे दिन डगमगाएंगे फिसलेंगे,
पुल सरा तो भी गुजर लगे फिजल गए, या अल्लाह मेरे कदमा नु साबित कदम बना दे। लो जी जन्नत वाजिब को तसव्वुर से किया कर, असी तो रवायती सारा कुछ कर रहे हैं, जुमे भी उस तरह सुन रहे हैं, नमाजा भी उस तरह पढ़ रहे हैं और कलमा भी उस तरह ही पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा हम पढ़ रहे हैं, जरा सुनो, ये कुरान के जिमन में मैं बात कर रहा हूं कि एक बंदे का हशर के दिन हिसाब होने, एक बंदे का हशर के दिन हिसाब हो रहा, ओदे 99 दफ्तर 99 रजिस्टर गुनाहों दे परे पए ने और एक रजिस्टर ओदा हुजम ओ भी अल्लाह ही जानदा है, ते ताहदे नगाह ओ रजिस्टरां दी जसामत है 99 ओ गुनाहों ने परे पए ने, बेशुमार दफ्तर रजिस्टर ओदा हिसाब दफ्तर रखे ने 99 तराजू दे विच, ओ जड़ा मीजान है अल्लाह दा, एक पलड़े दे विच 70 जमीना ते 70 आसमान ओदे विच तोले जा सकदे ने, अल्लाह दा जड़ा ओ मीजान है, ओदे जो 99 दफ्तर 99 दफ्तर पए ने रजिस्टर पए ने, ते ओ थले लग्या एक पलड़ा जड़ा ओ उठे है। तौहीद का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुरान आया इसीलिए था, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसर का मकसद ये था, सारे 1,24,000 पैगंबर ए दरबार पर तवीज देने वास्ते निशान आए, तवीज देने के लिए नहीं आए थे, मुजावर बनने के लिए 1,24,000 पैगंबर नहीं आए सन, कब्रां दे मजारां दे मुजावर बनने वास्ते नहीं सन आए। तुसी किदे उम्मती हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह दो मोहम्मद के उम्मती है और मोहम्मद मुजावर नहीं था, मुजाहिद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजावरा दा ए दीन नहीं है इस्लाम, मुजावरा मुजावर ते मक्के च सारे मुजावर सन, अबू जहल अबू लहब सारे मुजावर, अबू सुफियान नु इस वास्ते और मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान हो गए सन, ये सारे मुजावर थे और इसीलिए दारुन नदवा वे नीच गए होती थी कि मोहम्मद का पैगाम नाकाबले बर्दाश्त है, कुरान की फतुहात नाकाबले बर्दाश्त है, ना रोके आते साडा साडी चुदाट खत्म हो जानी है, स्टेटस ही खत्म हो जाएगा, साडी चुदराहट खत्म है, और जाओ मोहम्मद नु कह दियो कि अगर कुरान नु छड़ दे ते असि इनु रिश्ता भी देंगे, आला जिथे आला उथे रिश्ता अदा कर देंगे, जड़े खानदान इनू बादशाह अरब का तस्लीम कर लेने पर कुरान सुनाना छड़ दे। कुरान की फतुहात वो जो मैं कुरान ने कहा है ना कि वला यजीद ज़ालिमीन इल्ला खसारा, के उस जालिम ते असर नहीं करता, वो आप देख रहे हैं दरबारों में पड़े हुए हैं, कुरान सजदे भी हो रहे हैं, असर हो रहे हैं नहीं होता, जालम दे दिल की दुनिया शोर कलर की मारी हुंदी है, काली सियाह ओदे ते इस किस्म दा बेहयात भी असर नहीं कर, ये मुकद्दरां दी बातां ने, ज़र्फ दी बात है, जिनका ज़र्फ ज़र्फ सिद्दीक अकबर जैसा होगा ये असर करेगा, वो देखो अल्लाह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, ओ दो अली मौजे तो भी नहीं, अमेरिका भी नहीं था, रूस भी नहीं, चीन भी नहीं, जापान भी नहीं थी, ओ दो फ्रांस भी नहीं थी, ना जहाज ओना दे तैयारे चन विच ओ दो पहुंचे सन, लेकिन ओ दो
आपने फरमाया बिलाल हबशी ए हबशे दा गुलाम आया ए काले रंग दे होंठ भी ए दे मोटे मोटे ने जदों ने आवाज अजान देनी ते अशहद दी बजाए अशहद आंदा सी बिलाल हबशी ते अर वाले हस पैंदे सन ते आपने फरमाया जुतियां समेत चढ़ जाओ खाना काबा दी छत ते चढ़ जाओ बिलाल सारे गोरे थले बैठे ने सारे चौधरी थले बैठे ने काला खाना काबा दी छत उते अजान दे रहा है। उस वक्त ना अमरीका था ए हुन इंसानियत दे बड़े आगे हमदर्द इंसाना दे लेकिन मोहम्मद करीम ने 1400 साल पहले बिलाल हबशी जेड़ा काला सी जात दा कमी सी किथे बैठा दिता खाना काबा दी छत उते ते थले सारे गोरे बैठे सारे गोरे बैठे ने सारे अबू लहब बैठा है अबू जहल बैठा है सारे बैठे ने मोहम्मद ने कहा फरमाया मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बिलाल हबशी तू जात का चाहे कमी है आज सारे सरदार तेरे नीचे होंगे तू खाना काबा दी छत ते अजान दे दे जदों ने शहादी बजाए असहद कहा ते सारे गोरे हस पे चौधरी सारे हस पे ते अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद ए हस रहे ने ये काल वेख रहे ने असी हाल वे ने ये काल वेंदे ने असी हाल वेने ये जाहर वेंदे ने असी अंदरों वेने इन्हां नूं हसन दे असी अंदरों वेने वाले ओ जो जमीन ते चलदा सी एक काला बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कुरान इस पे अमल करोगे ते वली बनोगे। ये कुरान दा हामल जिन्ना मुख्तलिफ किस वड़ियां वड़ियां तस्वीरां बड़े बड़े कंगन कहीं नखले मरकत की छाऊं में सजदा कहीं नखले मरकत की छाऊं में सजदा कभी कहीं मरने वाले के पांव में सजदा अशारों में सजदा अदाओं में सजदा इधर और उधर खानकाहों में सजदा साडा ये हाल लेकिन तौहीद का पैगाम आज मैंने देना है कुरान की रोशनी में कि वो बंदा अपना अल्लाह फरमाएंगे जा अपना वजन करा जाके वजन हो रहा जी वो अंदर मैं वजन की कराना कराना कि नड़ीने में ते मेरे रजिस्टर गुलामा मुनु नजर आ रहे अल्लाह फरमाएंगे ये पर्ची एक खुद पर्ची देंगे अल्लाह हदीसे मुबारक है कि मोहम्मद आपके ने फरमाया है कि अल्लाह खुद पर्ची देंगे कि जाके दूसरे पलड़े में डाल दे दूसरे पलड़े में डाल दे इसको वो जो दो पर्ची एक पाई जाएगी ते वो पलड़ा पारी हो जाएगा वो पारी हो जाएगा और नड़ेन में दफ्तर वो इस तरह होंगे भी डिग पैन लगे वो पर्ची पारी होगी नड़ेन में रजिस्टर दे उते गुडामा दे नड़ेन में रजिस्टर ते अल्लाह फरमाएंगे इसको खोल के तो पढ़ो ये क्या लिखा है तौहीद कोई मजाक है वाबी ने जी ओ वेखो जी ओ ते गुस्ताख लो ओ पर्ची जदों पढ़ी जाएगी ए नुक्ता सुनने वाला जदों पर्ची खोली जाएगी ते ओ दे ते लिखिया होएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला
अल्लाह हुण दसो वो पर्ची भारी हो गई वो जन्नत चला जाएगा लेकिन ए नुकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सवाब से मिलेगा पढ़ते रहो लेकिन जब तक अशहादो नहीं कहोगे अशहादो का गवाही देता हूँ कि अल्लाह मुश्किल कुशा है अल्लाह एक है अल्लाह हाजत रवा है। वो देखो ना अदालतों में उसमें जिरह होती है। मैं खुद वकील हूँ गवाह पे जिरह होती है ते गवाह नु अगर पता ही ना होवे गवाही दा ते ओदा को फायदा है वो पकड़िया जाए तो इलम के बगैर गवाही नहीं होती ओनू पता होना चाहिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ रहा ते अल्लाह एक दा मैं गवाही दे रहा सच ते ओदा फिर मतलब की एक दरबारा ते नजरा नियाजा नहीं मननिया उथे सजदे नहीं करने चादर नहीं चाड़नी क्यों जी एहो मतलब एहो ही है कुरान यही कह रहा है कि वो पर्ची पारी होगी इस वास्ते कि उन्हें बंदे ने गवाही सोच समझ के दी सी कि अल्लाह एक है अल्लाह एक है कोई ओदा हम सर नहीं कोई ओदा शरीक नहीं और ओदा कोई हिस्सेदार भी कोई नहीं ये नहीं भी अच्छा है काम मैं करना ऐ पीर अब्दुल कादर जिलानी करनी नहीं ए ईसा अलैहि सलाम करेंगे ए मोहम्मद करीम करेंगे नहीं तमाम इख्तियारात का मालिक वो आपका अल्लाह रब्बुल मशारिक वल मगारिब और कुरान की क्या बात है कि कुरान जदों पढ़ोगे जदों रात नूं पढ़ोगे तनहाई दे विच पढ़ोगे जदों ते आप दे रहमत आलम ने फरमाया है मुआविया बिन मुआविया बहुत बड़े सहाबी सन उनका इंतकाल हो गया आपने जनाजा पढ़िया जनाजे तो बाद जिब्रील अमीन फरिश्तियां दा सरदार आ रहा है मिलने वास्ते ते ओदे नाल 50,000 फरिश्तियां दी जमात है सुभान अल्लाह ते कह दियो यार अल्लाह ने अरशे बरी तो आर्डर दे के भेजे तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते 50,000 फरिश्ता भेजे है 50,000 फरिश्ता ओदे जनाजे दे उते मुआविया बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अनहु अमीरे मुआविया दी नहीं ये होर सियाबी सन मुआविया बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अनहु उन्होंने जनाजा ते आप अजीब इंकशाफ होया मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे तो बाद के जिब्रील अमीन 50,000 फरिश्तों के साथ जनाजा पढ़ने वास्ते आया 50,000 फरिश्ता उदे नाल मुआविया बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो आपने जिब्रील अमीन पूछा मुनुए ते दस इस मुआविया बिन मुआविया नू इस मेरे सहाबी नू इना इजाज किस तरह दिता गया है इजाज है ना बहुत बड़ा के 50,000 फरिश्ता लड़ भेज दिता जनाजे ते उन्हें गया जिब्रील अमीन ने दसिया कि अल्लाह ने खास हुक्म करके सानू भेजा इस इजाज वास्ते इस वास्ते कि चल दे यग राओ होवा यग राओ कुल हो वल्लाह अहद ए चल दे फेर दे उठ दे बैठ दे सवारी ते बैठदियां कुल हो वल्लाह अहद कुल हो अल्लाह पढ़ता दसदा सी इनू इजाज दिता गया है ये जड़ी सूरत है कुल हो अल्लाह सूरा इखलास ये एक वरा पढ़ लो ते तीसरा हिस्सा कुरान दा तुसी खत्म कर लिया ये भी जरा सुन लो वड्डी सूरत कोई नहीं आउंदी ते कोई जरूरत नहीं खपन दी छोटियां पढ़ लिया करो और सूरा अल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून
लाओ आबुद माता बुदुन। छोटी जी सूरत है, ये पढ़ लिया करो। चौथा हिस्सा कुरान का खतरा है, और सूरा नसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, ए पढ़ लोगे तो चौथा हिस्सा कुरान खत्म है। चौथा हिस्सा कुरान खत्म, इना सवाल मिलेगा जिसे तुसी चौथा हिस्सा पढ़ लिया। अगे सुनो, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, सूरा ज़िलज़ाल पढ़ोगे ते अद्दा कुरान तुहाडा खत्म हो गया। कुरान खत्म हो गया जे मुसलमानों, ओ अद्धे कुरान का सवाब तुहानू मिल जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ओ मुसलमानों इन्ना ही पढ़ लिया करो। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इन्हें ही पढ़ लिया करो। अद्धा कुरान खत्म है, अद्धे कुरान पढ़ने का सवाब। तो जिबरील अमीन ने कहा मुआविया बिन मुआविया उठ दे बैठ दे, सूरा इखलास पढ़ दे। उन्दे सन कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इना पढ़ लेंदे सन ते अल्लाह ने 50,000 फरिश्ता, खुशकिस्मत लोग ने वालदैन ने जेड़े इना तालिब इल्मा दिया, तावन नहीं करते ने ते इन्हां नूं पढ़ांदे भी, खुशकिस्मत। और एक हजरत अलह दा सियाबी बहुत बड़े मशहूर ने, सुने दे ना जय साहब, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ओ फौत हो गए ते आपने जनाजा पढ़िया, ते जनाजे दे बद्दुआ फरमा रहे ने मुहम्मद करीम आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुहम्मद है के जिदी उम्र दी कसम खादी अल्लाह ने अम्रुक, मोहम्मद तेरी जात की कसम है, तेरी उम्र की कसम है, ये वो मोहम्मद है जिदे चेहरे की कसम खादी, वज़ुहा जिदियां कालियां जुल्फां दियां कसमां खादियां, वल्लैले इज़ा सजा, ते जिदे कुरान जेड़ा ओदे ते उतरिया मुहम्मद करीम दे ओदी भी कसम खादी, काफ वल कुरान मजीद, ओ कुरान तेरा नाम की है। जरा दिल को पूछिए क्यों जी पूछना चाहिए, तेरा नाम क्या है, ओ तेरा नाम की है, बल होवा कुरान मजीद, तेनु कौन लेके आया, ते दस लै नाजल बेहलू फरिश्तियां दा सरदार लेके आया है, अंबिया दे सरदार दे उते मनु नाजल किया गया है, मनु फरिश्तियां दा सरदार लेके आया, जेड़ा मुहम्मद दा गुलाम सी जबरीले अमीन, इत्थे नूर बशर दा मसला ही नहीं पाकिस्तान चल लूंदा। मनु इहदे ते बड़ी परेशानी है, पूरी दुनिया में फिरना ते ए मनु बड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान दे विच खास तौर ते, खुदा दी कसम मैं उठा के कुरान दी रोशनी चाहना के जदों मुहम्मद हशर के दिन आएंगे ना, आएंगे आएंगे मुहम्मद हशर के दिन आएंगे, लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे, लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे, ए शाना वाला कौन आया,
लोगी अडियां चुग चुग वेखणगे ए शाना वाला कौन आया अर्शो कुर्सी से आला है बाम उनका आगे अल्लाह ही जाले मुकाम उनका अर्शो कुर्सी से आला है बाम आपका आगे अल्लाह ही जाने मुकाम आपका आपके साथ सिद्दीक फारूक है आपके साथ सिद्दीक फारूक है वो जन्नत है जहां है मुकाम आपका ओ जाओ देखो सिद्दीक अकबर नु जन्नत तुसी गालियां कढ़दे रहो बदकिस्मत जमीन है पाकिस्तान की के जिसमें मोहम्मद की आबरू को भी गालियां निकाली जाती हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हां दे बिस्तर दे उते कुरान नाज़िल होया जिन्हां दे बिस्तर दे उते और एक दफा जिब्रील अमीन आए और अर्ज की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को कह दो कि अल्लाह सलाम भेज रहा है वो खतून है कि जिसके बिस्तर पर कुरान आया किसी ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन में से किसी के बिस्तर पर ये कुरान नाजल नहीं हुआ हजरत आयशा ऐसी मुकद्दस हस्ती है सिद्दीका बिनते सिद्दीक जब तोहमत लगाई ना आज भी तोहमते लग रही है काले आज भी तोहमते लगाते हैं उस वक्त भी कालों ने तोहमत लगाई थी कि मोहम्मद की घरवाली मोहम्मद की घरवाली सही नहीं ऐशा को सलाम आते थे अल्लाह के और जब तोहमत लगी तो जरा मुझसे भी तो सुनो सुनते तो रहते हैं आप कुछ अल्लाह चाहता ते जमीन दे जर्रे जर्रे बोल उठ दे क्यों जी खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि जमीन के जर्रे जर्रे रेत के सहराओं के जर्रे ऐशा की तहारत का पैगाम देते अल्लाह चाहता अल्लाह चाहता तो उहुद पहाड़ बोल उठता अल्लाह चाहता ते पहाड़ों दे कंकर बोल उठे के आयशा पाक है मोहम्मद की आबरू पाक है मोहम्मद की घरवाली पाक है कंकर बोल पड़ते अल्लाह दरख्तां दे पत्ते बोल पड़ते मदीने दे दरख्ती बोल पैंदे लेकिन अल्लाह की गैरत को गवारा न हुआ के मोहम्मद तेरी महबूबा है तेरी घरवाली है असी ते एदे नाल बड़ा प्यार करने हैं ये तू एदे नाल प्यार करने ते अर्शे परीन ते असी भी एदे नाल प्यार करने हैं हम भी प्यार करते हैं और अल्लाह ने 18 खुद अल्लाह को गवारा गैरत को नहीं हुआ कि कंकरों से सफाई दिलवाऊं तहारत की पकीजगी की इज्जत की उहद पहाड़ से दरख्तों के पत्तों से समुद्रों के कतरों से बारिश के कतरों से मैं सिद्दीकाए कायनात की बरात का ऐलान करवा सकता था अल्लाह लेकिन अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं है अल्लाह ने फरमाया मैं खुद अर्शे परीम पर 18 आयात का खुतबा दूंगा आयशा की बरात में 18 आयात का मैं खुद खुतबा देता हूं और क्या कहा अत्वयबात लित्वयबीन अत्वयबात लित्वयबीन उलाएका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मगफिरतु व रिज़्कुन करीम पाकबाज औरतां पाकबाज मर्दां दे वास्ते ने
ऐसा मुहम्मद दे वास्ते वे ते पाक के ना होवे वो ऐसा। अल्लाह ने फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद मदीने देख मुनाफक कुत्ते भौंक रहे ने आज भी भौंकते ने। मदीने दे मुनाफक कुत्ते आज भी भौंक रहे ने। मदीने विच भी भौंकते सन उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। मैं अरसे बरी तो फैसला फरमा देना ऐलान करना मुहम्मद तेरी ऐसा पाक है तेरी ऐसा पाक है ये तेरी ऐसा पाक है। सुबहाना का हादा बोहतानु नजीम। मुन्नू अल्लाह ने फरमाया मुन्नू अपनी पाकी दी कसम है जिस तरह मैं अपनी तौहीद विच रबूबियत विच पाक हां ऐसा मुहम्मद अपने तमन विच पाक है। एक पाक दामन औरत उत्ते इल्जाम लगाया है अज भी लग रहा है जिन्हों गुनाह का पता ही नहीं मोमना औरत आयशा खुतबा ला दे रहे थे अरशे बरी तो नशर हो रहा मदीने के तरो दीवार दे उते हो रहा है खुतबा नशर हो रहा है। सुभान का हाजा बोहतानु नजीम। मोहम्मद जिस तरह मैं अपनी पाकी दी कसम खा के कहना जिस तरह मैं अपनी अलूहियत रबूबियत ते तौहीद विच पाक हां मोहम्मद तेरी ऐसा अपने दामन विच पाक है। ते फिर की होया लोए नू फिर दुनिया वाला आखिरा हजरत ऐशा नू सिद्दीका बिंद सिद्दीक नू दुनिया उत्ते भी उन्हां ते लानत ते आखरत ते भी लानत है उन्हां ते दुनिया ते भी लानत है। कुरान कह रहा मैं नहीं कह 18 आयात का खुतबा अरशे बरी तो लो अरशे बरी से 18 आयात का खुतबा अल्लाह खुद दे रहे। सुबहानका हज़ा बोहतानु नजीम। आगे फरमाए लोए नू फी दुनिया आगे सुनने वाला जुमला है खुतबे का अल्लाह का खुतबा। मैं अपना ये तो हम खुतबा दे रहे हैं अल्लाह खुतबा अरशे बरीद दे रहे आयशा की बरात के याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा आइंदा ना करना कयामत तक एहो जे इल्जाम ऐसा ते ना लाना जे लाओगे तो फिर की होएगा इन कुंतुम मोमिनीन। मैं तुहानु काफर तुहाडा ईमान छीन के काफर बना के जहन्नम विच सुट देंगा। ये है सिद्दीका कायनात जिनके तो मैं ये कुरान टाइम बहुत हो चुका है खत्म करने लगा हूँ। सिर्फ हजरत तलहा का जनाजा तो वो आपने पढ़ाया तो आपने दुआ फरमाई ये कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं वालदैन कितने खुशकिस्मत हैं जो कुरान को एक कोठियां बंगले तौलता ए खुदा दी कसम किसे काम नहीं औड़ियां ए कुरान ने काम होना है किसरा होना है जरा थोड़ा सा सुन लो तो खत्म कर रहे हैं के ओदे जनाजे तो बाद आपने दुआ की कि अल्लाह एक कुरान कसरत नाल पढ़दा रहा है तलहा हजरते तलहा रजी अल्लाह होता रात दियां तरीकियां विच भी बैठ बैठ के कुरान पढ़दा सी ते अल्लाह जी दो तू अपने बंदे तलहा नू मिले ते तू भी हसे ते तेनू वेख के हस पवे। अल्लाह मुस्कुरांदा रहिंदा है भावें 8 घंटे पढ़दे रहो
अरशे बरीन ते ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੋ ਭਾਵੇਂ 14 ਘੰਟੇ ਪੜੋ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ ਹਸ਼ਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ अपने पढ़ने वाले आंदे वो अमल करने वाले ते बाद जाऊंगे पहले पढ़ने वाले आवाज अमल ते खर जरूरी है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਿ ਜਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ सारा पीछे कुरान बाकी होएगा बकरा ते आले इमरान सूरा ए अगे होनगी ते किस शान नाल आउणगी केड़ी शान नाल आउणगीयां केड़ी अजमत नाल आउणगीयां खुदा दी कसम हैरान रह गया मैं पढ़ के किस शान नाल आउणगीयां तुहा अजानन अन साहिब हमा ओ लड़दियां अल्लाह नाल आउणगीयां लड़दियां अगे सूरा बकरा हशर दा माहौल देखो नजारा अगे सूरा बकरा आले इमरान पीछे बाकी सारा कुरान ओदे पीछे कुरान हिफज करन वाले कुरान पढ़न वाले मेहराबा च पढ़न वाले मिंबरां ते पढ़न वाले ओदे पीछे खड़े होणगे ते ओ लड़दियां होईयां होणगीयां अल्लाह दे नाल इन्हां नूं जन्नत च लैके जाना है वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह